आज की इस वीडियो में हम लोग एक स्विच बोर्ड की वायरिंग करना सीखने वाले हैं, जो दोस्तों यहाँ पे हमारी बोर्ड होने वाली है, ये दोस्तों हमारी हैवी लोड में स्विच बोर्ड होने वाली है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, इस स्विच बोर्ड के अंदर हमारी एक वोल्ट प्लस एम्पियर मीटर है। यहाँ पे आपको जो है दो सॉकेट भी देखने को मिलेगी 3 पिन में 16 एम्पियर की। यही पे आपको जो एक स्विच भी देखने को मिल रही है जो हमारी 16 एम्पियर की है। इस स्विच बोर्ड के अंदर आप दोस्तों हीटर, कूलर, गीजर या दोस्तों किसी भी तरह की हैवी लोड वाली सामान को आसानी से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो बोर्ड देख रहे हो दोस्तों, हमने जैसे खुद से यहाँ पे तैयार किया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये दोस्तों हमारी बोर्ड ऑर्डर में थी, इसलिए मैं सोचा आप लोगों के लिए भी वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कभी भी काम दे सके। तो आई फ्रेंड्स, इस स्विच बोर्ड को मैं वायरिंग करके दिखाता हूँ हमें किस तरह से वायरिंग करना है। सो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू पूरा जोर देखिएगा, काफी अच्छी जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है और आगे भी आपको मैं देता रहूंगा। काफी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी स्विच बोर्ड फिट है पूरी तरह से। सबसे पहला नंबर इसे हम ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने इसे ओपन कर लिया है और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो हमारी बनावट है यहाँ पे कुछ इस तरह की है। चलिए मैं इसे साइड करता हूँ। अभी फ्रेंड्स, ये हमारी वो स्विच बोर्ड है और इसके अंदर की अगर बात की जाए तो इसकी बनावट हमारी कुछ इस तरह की होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी दो है दोस्तों, ये हमारी 16 एम्पियर की सॉकेट है, ये हमारी स्विच है, ये हमारी वोल्ट प्लस एम्पियर मीटर है। दोस्तों यहाँ पे इस वोल्ट मीटर के अंदर आप जो है एम्पियर भी देख सकते हो, वोल्ट भी देख सकते हो, यानी कि दोनों ही आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारी अभी लाइव वोल्ट कितनी है, हमारी जो भी सामान इसके अंदर लगी होगी तो हमारी कितना यहाँ पे जो है एम्पियर ले रही है वो भी हमारे यहाँ पे शो होने वाली है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला नंबर वायरिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए, इस सॉकेट के अंदर हमारी टोटल 3 टर्मिनल है। यहाँ पे एक हमारी लाइव की होती है, यानी कि फेस वायर यहाँ पे कनेक्ट होती है। राइट साइड से आपको यहाँ पे एन लिखा होगा, यहाँ पे न्यूट्रल हमारी कनेक्ट होती है। और सेंटर वाली जो आप यहाँ पे बीच वाली देख रहे हो दोस्तों, ये टर्मिनल, ये हमारी अर्थिंग की होती है, यानी कि इसके अंदर हमारी अर्थ यहाँ पे कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे इस तरह से होती है। और यहाँ पे स्विच के अंदर हमारी टोटल 2 टर्मिनल होती है। हमारी 2 टर्मिनल है तो इस स्विच के अंदर हमारी सिर्फ हमारी एक ही कनेक्शन होती है, तो हमारी फेस की होती है। बट यहाँ पे न्यूट्रल की कनेक्शन इसमें कभी भी नहीं कीजिएगा दोस्तों। आप जब भी यहाँ पे कनेक्शन करते हो तो आप इस स्विच के अंदर आप जो है फेस का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पे टेस्टर की मदद से देख लेनी है। तो हमारी जो वायर आती है इनपुट, जो हमारी ग्रिड लाइन की होती है, यानी कि फेस और न्यूट्रल, उस पर आपको जो टेस्टर लगा के चेक कर लेनी है कि कौन सी हमारी फेस की है, कौन सी हमारी न्यूट्रल की है। जिसमें हमारी टेस्टर जलती है उस वायर को आपको जो स्विच के अंदर आपको डालनी है, जिसमें हमारी टेस्टर नहीं ग्लो करती है दोस्तों उसको आपको जो न्यूट्रल, यानी कि जो आपकी न्यूट्रल वाली पॉइंट होगी वहाँ पर आपको जो कनेक्ट करनी होती है। इस तरह से दोस्तों हमारे यहाँ पे इसकी कनेक्शन होती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इस जो हमारी वोल्ट मीटर है इसके अंदर आपको जो टोटल 2 टर्मिनल देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको जो एक सीटी क्वाइल भी रहती है, यानी कि यहाँ पे आपको जो एक क्वाइल दी जाती है और यही क्वाइल दोस्तों हमारी जो एम्पियर को शो करती है, यानी कि एम्पियर हमारी बताती है अभी हमारी लोड पर कितना यहाँ पे जो है शो हो रही है, यानी कि कितना एम्पियर ले रही है। बाकी यहाँ पे ये दोनों टर्मिनल दोस्तों हमारी फेस और न्यूट्रल के लिए होती है, ये हमारी वोल्ट बताती है, ये 2 टर्मिनल। अब यहाँ पे चलिए मैं वायरिंग करता हूँ। तो वायरिंग के लिए दोस्तों आपको जो 2 कलर की वायर लेनी है और यहाँ पे आपको वायर लेनी है दोस्तों 2.5 mm की, यानी कि आपको जो 2.5 mm की वायर लेनी है। 2 कलर की ले सकते हो आप अपना मर्जी के हिसाब से। फ्रेंड्स, मैं फेस के लिए यहाँ पे ब्लू वायर को यूज करूँगा और न्यूट्रल के लिए यहाँ पे येलो वायर को कनेक्ट करने वाला हूँ। ब्लू कलर की वायर लेनी है और इस वायर को दोस्तों आपको जो थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे आपको जो छील लेनी है कुछ इस तरह से। वायर को छीलने के बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे इस तरह से वायर को जो ज्वाइंट करनी है। ज्वाइंट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी ये पॉइंट है इस पर हम दोस्तों इस वायर को हम लपड़ देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर दोस्तों हम एक वाशर लगा देंगे। यहाँ पे वाशर थी नहीं, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ। और इसे दोस्तों आप अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए। सो यहाँ पे हमारी एक वायर तो हमारी ज्वाइंट हो चुकी है। ये जो आप बड़ी वाली वायर देख रहे हो दोस्तों, ये हमारी जो इनपुट की है, यानी कि इसके द्वारा हमारे जो सप्लाई इन होने वाली है। और ये दोस्तों हमारी यहाँ से जो है सप्लाई जाने वाली है नीचे की ओर। तो हमें क्या करना है, इस सीटी कॉइल से होते हुए दोस्तों हम इस वायर को गुजार लेंगे इस तरह से, यानी कि निकाल लेंगे। ये दोस्तों हमारे यहाँ पे जो एम्पियर शो करने वाली है कि हमारी इस वायर पर कितना यहाँ पर लोड पड़ रही है, वहाँ पर हमारी डिजिटल मीटर में हमारी एम्पियर बताएगी। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे इस वायर को हमें क्या करना है, इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे या चाहे तो ऊपर वाले पॉइंट पे किसी पर भी लगा सकते हो। यहाँ पे कंडीशन हमारी यानी कि सेम ही हमारी यहाँ पे वर्क करने वाली है। तो चलिए मैं इस वायर को जो नीचे ही लगा देता हूँ और इस टर्मिनल को मैं यहाँ पे अच्छी तरह से टाइट कर लूँगा। अब इस वायर को जो है थोड़ा सा आप शेप दे दीजिए। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करनी है, येल्लो वायर लेनी है और इसे आपको जो है न्यूट्रल पर कनेक्ट करनी है। न्यूट्रल की जरूरत दोस्तों यहाँ पे है और इस 3 पिन सॉकेट के राइट में और इस 3 पिन सॉकेट के राइट में, यानी कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना होगा।
तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वायर ले लेता हूँ। तो वायर को छीलने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा यानी कि जो हमारी बड़ी वाली वायर थी इसको भी हमें इस तरह से छील लेनी है और दोनों को आपस में इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इस वायर को हमें यहाँ पे कनेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पर आप जो एक वाशर लगा दीजिए ताकि हमारी वायर दोस्तों यहाँ पे लूज ना हो। और इस टर्मिनल को आप जो अच्छी तरह से टाइट कर लीजिए ताकि यहाँ पे स्पार्क वगैरह की समस्या ना आए। अब दोस्तों ये जो हमारी बड़ी वाली वायर है इसे आप जो बाहर की ओर रख दीजिए और जो हमारी छोटी वाली वायर है इसे आप जो एन वाले हिस्से पर, यहाँ पर देखिए हमारी एन लिखा गया है राइट में, तो इस जगह पर आप जो इस वायर को कनेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर भी आपको जो एक एक्स्ट्रा वायर यहाँ पर जो कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मुझे वायर को कट करके रखा हुआ है, ज्वाइंट कर लीजिए और एन वाले हिस्से पे इस वायर को लगा दीजिए। इस वायर को आप जो थोड़ा सा शेप दे दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इस वायर को यानी कि न्यूट्रल से न्यूट्रल वाले हिस्से में कनेक्ट कर देता हूँ, ढीला कर दिया हूँ और यहाँ पे इस वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी ये जो है न्यूट्रल से न्यूट्रल हमारी यहाँ पे जो है चल गई है, आप देख सकते हो। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो है फेस यहाँ पे कनेक्शन हो चुकी है और यहाँ पे स्विच में हमारी फेस चल गई है, न्यूट्रल हमारी यहाँ से इन हुई है और न्यूट्रल हमारी यहाँ से इस 3 पिन सॉकेट तक हमारी आ चुकी है। सॉकेट की जो टर्मिनल है यानी कि लाइव वाली ये हमारी खाली है और ये भी हमारी खाली है, यानी कि हमारी इसमें जो है फेस देना अभी बाकी है। इस स्विच से हम जो है दोनों सॉकेट को ऑपरेट कराने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच की नीचे वाली पॉइंट पे हमारी लाइव पॉइंट है, स्विच को दबाने पे हमारी स्विच के ऊपर वाली पॉइंट से हमारी फेस आउट करेगी। तो यहाँ से हम जो है एक पॉइंट को उठाएंगे और इस वाली टर्मिनल पे और इस वाली टर्मिनल पे हम दे देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर वायर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इस वायर को इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं और टर्मिनल को मैं टाइट कर दूंगा। वायर को छील कर दोस्तों यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वायर को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और दोस्तों इस एल वाले हिस्से पर इस वायर को मैं लगा दूंगा, यानी कि लेफ्ट वाले हिस्से पे जहाँ पे एल लिखा हुआ है यहाँ पे। और इस टर्मिनल को अच्छी तरह से हम टाइट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स यही वायर हमारी इस 3 पिन सॉकेट के एल वाले हिस्से पे आ जाएगी। तो यहाँ पे वायर को जो है माप लीजिए, यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी इस तरह से इसकी जो कनेक्शन हो गई है आप देख सकते हो। चलिए अब मैं आपको टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ कि स्विच बोर्ड हमारी वर्क कर रही है कि नहीं, हमारी यहाँ पे एम्पियर प्लस वोल्ट यहाँ पे बता रही है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो है स्विच बोर्ड में सप्लाई दे दिया है और यहाँ पे हमारी वोल्ट सो रही है दोस्तों 239-40 यहाँ पर हमारी जो बता रही है। और अभी दोस्तों हमारे यहाँ पे एम्पियर नहीं सो रही है क्योंकि दोस्तों हमारी इस पर जो कोई भी लोड नहीं है। तो हमने जो एक मोटर को यहाँ पर हमने जो कनेक्ट किया हुआ है आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारी मोटर कनेक्ट है। तो यहाँ पर जैसे ही दोस्तों हमारी ये मोटर चालू होगी तो हमारे यहाँ पर एम्पियर भी शो होने लगेगी। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए 2.9 एम्पियर हमारे यहाँ पे जो बता रही है, 5.2। तो यहाँ पे हमारी जो एम्पियर इस तरह से बताती है। यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि हम जब मोटर को हम चालू करते तो हमारी तब वोल्ट कितनी रहती है, तो यहाँ पे देखिए हमारी 223 हो जाती है। और 4.8 हमारे यहाँ पे जो एम्पियर बता रही है यानी कि 5 एम्पियर के आसपास हमारे यहाँ पर बता रही है। जब भी हमारी लोड पड़ती है तो हमारी ये यहाँ पे जो है एम्पियर यहाँ पे जो शो होने लगती है। बाकी यहाँ पे स्विच को ऑफ करोगे तो सिर्फ आपके यहाँ पे जो वोल्ट शो होगी कि आपके घर में यहाँ पे कितनी वोल्टेज अभी जो आ रही है यानी कि लाइव वोल्ट क्या है। तो दोस्तों ये जो स्विच बोर्ड है ये हमारी कुछ इस तरह से वर्क करती है, आपने देखा, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो रिस्पॉन्स देती है। तो दोस्तों आप इस स्विच बोर्ड को बनाना चाहते हो हैवी लोड वाली तो आप बना सकते हो इस वीडियो को देख के। और दोस्तों इसे जो है सीट को कटिंग करके आप यहाँ पे फिट करके बना लीजिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो किसी नए फोल्ड के साथ। तब तक के लिए अलविदा और टेक केयर, बाय बाय।